हम इसलिए हमारे हम लोग की अपनी मजबूरियाँ हैं जी राजनीतिक व्यवस्था की, जो जनाकांक्षा को पूरी करने हम लोग अपना लगाए वो पूरी कर नहीं पा रहे, सब करने के बावजूद तो अपना समय उधर देना होता है। वो आपके आदेश का पालन करने, ऋषि जी के आदेश पालन करने में चले आए थे, जिस मंच पे हमारे 25 साल पहले के कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हो और टीचर बैठे उस मंच पर हम क्या बोलेंगे, तो तब भी नहीं बोल पाते थे सर, वहीं से गेट सड़काए थे जहाँ से राजनीति पहली सीढ़ी तरफ बैठे थे। हरिभाव खान नेता जी बैठे पीछे, राजीव प्रसाद मित्र तो आप ही के डंडे से फटे जाते थे। लेकिन ये जरूर चलते चलते कहना चाहेंगे कि ये विषय तीन शब्दों में लिख लिया है, ये बहुत गुण विषय है। पाल साहब जो बोल रहे हैं वो कम बोल रहे हैं, क्योंकि घंटा बोलेंगे तब भी उस पर नहीं बोल पाएंगे, उनका गंभीर विषय है, भले तीन शब्द में पर गंभीर विषय है। और हम लोग उससे रोजाना दो चार होते हैं, कभी हमको लगता है कि हम सही हैं, लोग गलत हैं, हर आदमी को ये तो लगता ही है कि हम सही हैं, पर जो राजनीतिक व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये स्थिति रोज खड़ी होती है कि सत्य बोला जाए कि प्री बोला जाए। कई बुजुर्गों ने कहा था ना कि सत्यम पदम प्रियम पदम, आप दोनों चीज एक साथ संभव नहीं हो पा रही, या तो सत्य बोलोगे या प्री बोलोगे, सत्य बोलोगे तो चुनाव हार जाओगे, सत्य बोलोगे तो चुनाव हार जाओगे और प्री बोलोगे चुनाव जीत जाओगे। लेकिन अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है मजबूत करना है सत्य बोलना पड़ेगा, और अगर चुनाव जीतना है तो प्री बोलना पड़ेगा। इस झंझावास से हम लोग रोज गुजर रहे हैं, रोज हर चीज में हर पल गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एक खूबसूरती लोकतंत्र की है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो फेस हैं। एक फेस जो हम लोग लोकतंत्र में हम अकेले तो पिलर नहीं है, चार पिलर हैं, लेकिन उसका एक पिलर हम लोग भी हैं, वो लोग जो विधायी कार्यों में लगे हुए हैं जो पब्लिक से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव्स, एक पिलर है, एक पिलर मीडिया है, एक पिलर प्रशासन है, कार्यपालिका है, ये पिलर्स हैं, लेकिन उसका एक पिलर हम भी हैं। तो हमें लगता है कि हम चारों पिलर की बात करने के बजाय अगर अपना वाला पक्ष रख दें तो बेहतर है। हमारा अपना पक्ष हम एक पिलर है और दो चार बातों में कह के हम उसको खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे दो फेस होते हैं तो उसको मतलब इससे कहते हैं कि जो हमको मिलता है वो हम देते हैं। जब हम अपने पब्लिक की तरफ फेस करें खड़े होते हैं तो वो हमें कुछ भी दे सकती है। वो व्यक्ति जो सिपाही से बात नहीं कर सकता या जिसकी मोहल्ले का सफाई कर्मी नहीं सुनता, वो हमको किसी भी भाषा में सुना सकता है, किसी भी भाषा में, शब्दों का चयन करे बगैर, समय का चयन करे बगैर, किसी भी समय फोन करके रात में भी 12 बजे जिसकी सफाई कर्मी नहीं सुनता वो आपको सुना सकता है। ये हम इसको बुराई नहीं बता रहे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि वो हमको सुना सकता है, और हमको डीजीपी नहीं सुना सकता, डीजीपी हमें घाव रिसीव करेगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी सिपाही नहीं सुनता, जो सिपाही से डरता है और हमारे साथ चलने वाले गनर को सम्मान करता है, उसको कुर्सी ऑफर करता भरे हुए हमको न देख पावे, हम अगर शादी में घुसे हैं कुर्ता ना पहने हों तो उसका ध्यान हम पर ना जाए, उस सिपाही पर जाता है जो पीछे चल रहा होता है, उसको कुर्सी ऑफर करता है। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत पहलू है जिसको मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो हमसे कह सकता है, उसका अधिकार भी है हम पर, हमारा कर्तव्य भी कि उसकी सुने। लेकिन जैसे ही हम फेस पलटते हैं, हम इधर से जो ले रहे होते हैं और जैसे ही हम फेस पलटते हैं तो वही देते हैं। आपने अगर हमको प्यार दे दिया है तो उधर घूमने प्यार से कहते हैं थैंक यू सर आपने काम किया बहुत अच्छा, यदि आपने गाली दी होती है तो उधर घूमते ही वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो उधर दे देते हैं। तो ये हमारा लोकतंत्र में लाख सीटें हैं, लाख है दुश्वारियां, लेकिन फिर भी उसका बड़ा खूबसूरत पहलू भी है कि सीधे पब्लिक की बात जाती है, बीच में अलग अलग साधन है, जानी तो पब्लिक से है और कार्यपालिका पर है, करना कार्यपालिका को है, देना पब्लिक को है, लेकिन उस पर नजर रखने के लिए कहीं विधायिका है पॉलिसी बनाने के लिए, और कहीं मीडिया है चेक करने के लिए। गिरावट मूल्यों में आई है तो गिरावट किसी चीज में, गिरावट हमें आप में आई है, हम लोग जल्दी में है, हमारे पास दूसरे टास्क हो गए हैं, लक्ष्य दूसरे हो गए हैं, अब रोटी कपड़ा मकान बेसिक लक्ष्य नहीं रहा। अब जैसे हम चलते वाले हम विधायक हैं तो हमें आदमी रोज कहता है विधायक हो बताओ सवारी चलते सारे विधायक बहुत जोर से चलते, ये टारगेट चेंज हो गए हैं, इसलिए समस्याएं आ रही। अगर टारगेट थोड़े से मिनिमाइज कर लें तो कोई समस्या आज भी नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि 125 करोड़ लोगों का जो बेताशा बढ़ रहे हैं उनका बोझ बड़े हंसते हंसते झेल रही है, दुश्वारियां हैं, बजट्स हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी काम अच्छे ढंग से चल रहा है। हम लोग अपनी सोच को पॉजिटिव करें, सोशल लोग खासतौर पर समाज में काम कर रहे हैं, जो हम लोग राजनीतिक लोग और सामाजिक लोगों में फर्क होता है, लोग राजनीतिक लोग नीचे लिख देते हैं व्यवसाय वाले कॉलम में लिख देते हैं समाज सेवा, हम लोग जो वहाँ कॉलम होता है व्यवसाय वाला की उम्र क्या है और उसमें व्यवसाय वाले कॉलम लिखते हैं समाज सेवा, बात विशुद्ध झूठी है, हम समाज सेवा 1% नहीं करते, समाज सेवा करने वालों के दूसरे टास्क हैं, हमारे दूसरे टास्क हैं, हम लोग पावर के लिए काम करते हैं। आप पावर चाहे अच्छे काम के लिए गेन करना चाहते हो या बुरे काम के लिए गेन करना चाहते हो, ये हमारी नीयत की बात हो सकती है, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग पावर के लिए काम करते हैं, समाज सेवी लोग दूसरे हैं।
तो समाज सेवी लोग समाज के लिए काम करते हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन पे समाज सेवी लोग काम करना चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीजें इनको पॉलिटिकल लोग काम करना चाहिए। तो हम लोग यदि अपना अपना रोल ईमानदारी से अदा करें, क्योंकि कमियां सबकी देखने चलोगे सब में कमियां दिखेंगी और कमियां आई हैं, गिरावट आई है, लेकिन अपने अपने को ठीक करते चले, अपने अपने आदर्श पेश करते चले, धीरे धीरे करके चीजें ठीक भी हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें ठीक हुई है, हम सब लोग पॉजिटिव सोच लेकर के आगे बढ़े इन्हीं सब बातों के साथ में, जो कि समय की कमी है और जनाकांक्षाएं पूरी करनी है, इसलिए जाना होगा। क्योंकि हम लोग कई बार अधिकारी ऐसे इरिटेट हो जाता है पब्लिक के फोन सुन के, तो हमसे कहते हैं यार अगर बिजली का अधिकारी है और बिजली चली गई तो उसके बाद फोन जाना शुरू होते हैं, हम पर भी जाना शुरू होते हैं। पर उसके बाद से बिजली का जाता है, हम पर पानी का भी आता है, हम पर सीवर का भी आता है, हम पर पुलिस का भी आता है, और हम लोग इरिटेट नहीं होते, क्योंकि हम लोग वो लेते हैं और वही देते हैं। इसलिए हम अपने जो पार्ट हमारे जिम्मे है, क्योंकि जो विधायिका वाला पिलर है, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग मजबूती से खड़े हैं। कुछ गिरावट आई होगी, चूंकि गिरावट आने के कारण उम्मीदें बढ़ना, उम्मीदों का स्वभाव में शुरू में परिवर्तन होना चाहिए। आज चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण पहले पूछा जाता है, धार्मिक समीकरण पूछा जाता है, क्षेत्रीय समीकरण पूछा जाता है, खर्च करने की कैपेसिटी पूछी जाती है। तो इसलिए उन सारी बातों के बीच में अगर आपको जीत के आना ये सत्य है कि तो उसके लिए कुछ गलत काम भी करे जाते होंगे, पर उसका दूसरा पहलू भी ये है कि आपको हर बार टेस्ट देना ही होता है, बगैर टेस्ट पास करे आप नहीं आ सकते। हजारों लाखों लोगों के लिए टेस्ट देना कोई मामूली नहीं है। आज के इस युग में जब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, ऐसे में लाखों लोगों की इच्छाओं को पूरी करना कुछ सामान्य काम नहीं है। इसलिए हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती के पॉजिटिव सोच के साथ में आप सब लोग आगे बढ़े, आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।